वो हर 6 महीने में 50 सपनों की एक लिस्ट बनाता था। पहली डेट पर गर्लफ्रेंड को पराठे खिलाने मूर्थल ले गया था। जब टीवी में भी काम नहीं मिला था तब ऐश्वर्या राय के साथ बैकग्राउंड में डांस करने का मौका मिला था और लगा कि मिस वर्ल्ड के साथ डांस क्या कर लिया, ये पूरा वर्ल्ड जीत लिया। छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां ढूंढने वाले इस शख्स का नाम सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत पर ये मेरा आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सुशांत की वो बातें बताऊंगा जो खुद सुशांत ने कही हैं। सुशांत पटना में पैदा हुए थे, 4 बहनों के इकलौते भाई थे, तो बहुत लाड प्यार मिलता था, घर पर सबके बहुत लाडले थे। माँ बहुत जल्द सुशांत को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद परिवार दिल्ली आ गया। कुछ पढ़ाई पटना में हुई, कुछ दिल्ली में हुई। पहली बार 4th क्लास में सुशांत को इश्क हो गया अपनी क्लास टीचर से। लेकिन सुशांत शुरू से ही ना बेहद शर्मीले स्वभाव के थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे किसी से। क्लास टीचर से उन्हें सच्चा प्यार हुआ था, ऐसा सुशांत ने खुद कहा था अपने इंटरव्यू में। लेकिन क्लास टीचर से इजहार मोहब्बत इसलिए नहीं किया कि कहीं क्लास टीचर फेल ना कर दे। जिंदगी आगे बढ़ी, पढ़ाई चलती रही और पहली गर्लफ्रेंड बनी 9वीं क्लास में। उसे डेट पर नहीं ले जा पाए, जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं। पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे, इंजीनियरिंग के काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए जिनमें से ज्यादातर क्लियर हुए और उसके बाद एडमिशन मिला दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पैसे उस वक्त भी नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त सुशांत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, उन बच्चों को जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। उनसे जो पैसे मिलते सुशांत उन्हें जोड़ते और आखिरकार उन्होंने अपनी एक बाइक खरीदी। और फिर जब पहली बार डेट पर गए तो गर्लफ्रेंड को दिल्ली से ले गए मूर्थल बाइक पर पराठे खिलाने। आलू के पराठे सुशांत को बहुत ज्यादा पसंद थे। देखिए, सुशांत जब कॉलेज में गए ना, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन सुशांत बड़े निराश हो गए। वजह ये थी कि कॉलेज में लड़कियां नहीं। सुशांत ने खुद ये बात कही कि जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे तो लगा कि कॉलेज लाइफ मतलब आज़ादी, और यहाँ तो फीमेल फ्रेंड्स ही नहीं है, तो भाई मज़ा नहीं आएगा कॉलेज लाइफ का। दोस्त तो होने चाहिए और फीमेल फ्रेंड्स भी होनी चाहिए। तो सुशांत ने क्या किया, 6 महीने में ही एक डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली ताकि वहां कम से कम लड़कियों से दोस्ती हो जाए। डांस शुरू हुआ, दोस्ती भी हुई, वहीं शायद पहली गर्लफ्रेंड बनी जिन्हें मूर्थल में पराठे खिलाए थे। खैर, सुशांत ने श्यामक डावर की डांस एकेडमी ज्वाइन की थी और श्यामक डावर ने सुशांत से कहा कि भाई तुम स्टेज पर भी काम करना शुरू करो। सुशांत ने कहा कि मैं तो बोल ही नहीं पाता हूं, बात ही नहीं कर पाता हूं, स्टेज पर कैसे करूंगा। श्यामक ने मनाया, सुशांत ने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। बैरी जॉन का एक नाटक था, पहली बार उन्हें लगा कि मैं इतने सारे लोगों से बात कर सकता हूं और अगर इस फील्ड में आगे गया तो बात तो करूंगा, मजा भी आएगा और पैसे भी मिलेंगे। देखिए, सुशांत को जो एक्टर पसंद थे ना, उनमें से एक का डायलॉग यहाँ मेरे पीछे लिखा हुआ है, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, दिलीप साहब। सुशांत को दिलीप साहब के अलावा बलराज साहनी बहुत पसंद थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पसंद थे, इरफान खान बहुत पसंद थे और डांस की बात करें तो वो गोविंदा के गानों पर खूब डांस किया करते थे, ऋतिक के डांस के दीवाने थे। तो बॉलीवुड का कीड़ा तो कहीं ना कहीं था सुशांत के। खैर, नाटक किया बैरी जॉन के साथ और उसके बाद सुशांत ने फैसला किया कि भाई मेरा जन्म जो है ना वो इंजीनियर बनने के लिए नहीं हुआ है, मुझे तो एक्टर बनना है। तो सुशांत ने 3rd ईयर में ही इंजीनियरिंग छोड़ दी। सोचिए, इंजीनियर बनने के लिए बहुत से लोग काफी मेहनत करते हैं तब जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और सुशांत ने वो छोड़ दिया। स्ट्रगल शुरू हुआ,
डांस एकेडमी में थे तो एक बार स्टेज शो के दौरान ऐश्वर्या राय के साथ डांस करने का मौका मिल गया बैकग्राउंड में। बहुत खुश हुए, दोस्तों ने भी कहा भाई क्या बात, मिस वर्ल्ड के साथ डांस किया। और सुशांत को भी लगा कि मिस वर्ल्ड के साथ डांस करके जैसे उन्होंने पूरा वर्ल्ड ही जीत लिया। बैकग्राउंड डांसर के तौर पर वो काम करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, और फिर एक सीरियल मिला, किस देश में है मेरा दिल। लेकिन इस सीरियल से उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव के किरदार से सुशांत बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सुशांत हर 6 महीने में 50 सपनों की एक लिस्ट बनाते थे। उन सपनों में खेती करना भी शामिल था, उन सपनों में प्लेन उड़ाना भी शामिल था, उन सपनों में बहुत से बच्चों की पढ़ाई करवाना भी शामिल था, और उन सपनों में फिल्मी हीरो बनना भी शामिल था। तो सुशांत ने सीरियल छोड़ दिया और बॉलीवुड की राह पकड़ी। उन्हें फिल्म मिली काई पोचे, बॉलीवुड का सफर शुरू हुआ। फिर महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाली फिल्म के लिए उन्हें सेलेक्ट किया। 20 मिनट में उनका सिलेक्शन हुआ। धोनी और सुशांत पर एक पूरा वीडियो मैंने किया है, पूरी उनकी कहानी बताई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा। बहुत कमाल की कहानी है। धोनी ने सुशांत को कैसे डांट दिया था, कमरे से निकाल दिया था, बहुत मजेदार कहानी है, देखिएगा। खैर, धोनी के बाद सुशांत की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी, वो सुपरस्टार की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद फिल्में करते रहे, कुछ चली कुछ नहीं चली, बहुत सी फिल्में उन्होंने छोड़ी, या फिर बहुत सी बातें कही जा रही हैं उन्हें लेकर। खैर, जो भी था, सुशांत ने अपनी जिंदगी में कुल मिलाकर 59 कैरेक्टर प्ले किए। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उन्होंने जो किरदार निभाया है ना, वो उनका 59वां किरदार है। और ये मैं आपको स्टेज शोज, सीरियल्स, फिल्म्स सबको मिलाकर बता रहा हूं, जो सुशांत ने खुद बताया था। सुशांत वक्त से पहले चले गए, बहुत पहले चले गए, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उन्हीं का एक डायलॉग है, हमारे पास सक्सेस के बाद का प्लान तो है, फेलियर के बाद का नहीं है। काश सुशांत तुम्हारे पास फेलियर के बाद का भी प्लान होता। हालांकि ये दुनिया तुम्हें फेलियर नहीं मानती, हमारे लिए तुम एक सुपरस्टार थे, हो और रहोगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।